राहुल गांधी देहरादून में जिस रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, कांग्रेस की रैली विजय दिवस के उपलक्ष्य में थी, जिसके जरिए उत्तराखंड के सैन्य परिवारों को साधने की कोशिश में है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस की रैली में लगे एक पोस्टर पर सियासी बवाल हो गया। आइए समझते हैं चुनावी सेंटर में पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के परिवार क्यों हैं। इस रैली का उत्साह बढ़ता जा रहा था, राहुल जी के जाने के बाद भी वो उत्साह लोगों के यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ये विश्व में पहली बार है कि जब किसी युद्ध के बाद कोई लोकतांत्रिक देश का निर्माण हुआ होगा, ये पहले भी नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य धाम में थे, आज राहुल गांधी शहीदों का सम्मान करते नजर आए, यानी शहीदों पर सियासी दाव चला जा रहा है, सैनिकों के नाम पर सियासी हुकार भरी जा रही है, शहीदों को आगे कर सियासी चाल चली जा रही है। हर किसी की नजर पर है सैन्य परिवार और उनका वोट बैंक, इसीलिए कांग्रेस ने इस रैली का नाम दिया विजय सम्मान रैली। रैली के लिए वक्त चुना गया विजय दिवस का। लेकिन रैली स्थल पर लगे एक पोस्टर पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। जनरल बिपिन रावत का पोस्टर लगाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस से कई सवाल दागे। जिस तरह से कांग्रेस ने शहीद CDS बिपिन रावत जी के होर्डिंग्स का इस्तेमाल किया और तब किया कि जब लगातार CDS विपिन रावत जी के ऊपर वो कटाक्ष करते रहे, उनकी तमाम बातों पे जब तक वो जीवित रहे तब तक वो देश के लिए लड़ते रहे, तब तक कांग्रेस सवाल उठाती रही, आज होर्डिंग लगा रही। हालांकि बीजेपी के आरोपों से तर कांग्रेस से शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि और खुद को सेना और सैनिकों की सच्ची हितैषी बता रही है। जो सेना में है, एयरफोर्स में, नेवी में, उन परिवारों को ये बात बहुत गहराई से समझ आई। हमारे लोग सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि जब देश की सीमाओं पर देश की अखंडता की रक्षा करता हुआ कोई सैनिक शहीद होता है, कांग्रेस के जमाने में उसके पार्थिव शरीर को किस रूप में परिवार को सौंपा जाता था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज किस गौरव सम्मान के साथ उसके पार्थिव शरीर को, उसके परिवार को और देश को समर्पित होता है, ये भी आपके सामने है। दरअसल उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सैन्य परिवार रहते हैं। सभी दलों की नजर इस वोट बैंक पर है। यही वजह है कि बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने विजय सम्मान रैली का आयोजन किया। लेकिन सैन्य परिवार किसके साथ है ये तो वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।